हेलो दोस्तों, की हाल चाल तो डिसा रहा था इको पे, तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, इस जैसे कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, बात करने वाले लास्ट डेट की, किस चीज की, एलपी नेक्स्ट एग्जाम की, कहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। तो बहुत सारे बच्चों के जो एग्जाम खत्म हो चुके हैं और वो एलपी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और उनको ये जानना है कि एलपी नेक्स्ट की जो लास्ट डेट कब रहने वाली है, कब उनका एग्जाम होगा, कब उनका जो जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और उसके बाद कितना टाइम उनके पास रहने वाला है एडमिशन लेने के लिए। तो सारी चीजें इस वीडियो के एंड तक आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपी से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो गाइस, जो यहाँ पे सबसे पहले एलपी में कौन कौन से कोर्सेज है जो ऑफर किए जाते हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, तो आप सबके ट्वेल्थ के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, तो ट्वेल्थ के बाद आपको काफी सारे कोर्सेज यहाँ पे जैसे एडमिशन पे आएंगे। एडमिशन पे आने के बाद आपको रेगुलर प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं, इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मैनेजमेंट के कोर्सेज जैसे कि बीबीए, ठीक है, कॉमर्स के कोर्सेज, बीकॉम, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट, ठीक है, जिसमें कि आप जैसे आर्किटेक्चर, बीआर का कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, उसके बाद प्लानिंग कर सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग के कोर्स है, इंटीरियर डिजाइनिंग के कोर्स है, जर्नलिज्म है, फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन है, ठीक है, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, उसके बाद यहाँ पे फिजियोथेरेपी, तो काफी सारे लॉ कोर्सेज है, फार्मास्यूटिकल के कोर्सेज है, तो काफी सारे कोर्सेज है जो आपको ट्वेल्थ के बाद ऑफर किए जाते हैं, जिन सबकी एडमिशन अभी भी ओपन है। लास्ट डेट, ठीक है, जो फेज वन है जो एलपी नेक्स्ट का, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी। अब इसको बहुत सारे बच्चों के अभी भी एडमिशन नहीं हुई है, या कुछ कुछ ब्रांचेज में जो 10 से 20% सीट्स खाली है, उसके लिए जो एलपी नेक्स्ट के एग्जाम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। उसके लिए अब जो लास्ट डेट क्या रहने वाले वो आपको बता देता हूँ, जो जिन बच्चों को एलपी नेक्स्ट का एग्जाम देना है, ठीक है, जो अब एलपी नेक्स्ट का एग्जाम क्या, एडमिशन प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर आप किसी भी कोर्स में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो सिंपल से एडमिशन प्रोसेस जो आपको फॉलो करना होता है, क्या एडमिशन प्रोसेस फॉलो करना है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको साइनअप करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आपको साइनअप करना है, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर देना है, जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है एलपी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब एलपी नेक्स्ट एग्जाम की जो फीस है वो पे करनी है, एग्जामिनेशन की जो ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए 1000 है, गर्ल्स के लिए 500 रुपीज है, लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको एलपी नेक्स्ट की फीस के ऊपर फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद बॉयज को पे करने की पड़ेगी सिर्फ 500 रुपीज, गर्ल्स को पे करने पड़ेंगे 250 रुपीज, ठीक है। उसके बाद आपको एलपी नेक्स्ट के एग्जाम के लिए रजिस्टर कर देना है, एलपी नेक्स्ट के एग्जाम को रजिस्टर करने के बाद आपको एलपी नेक्स्ट का एग्जाम देना है, एलपी नेक्स्ट का रिजल्ट जब आप एग्जाम दे देंगे 48 घंटे बाद आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद आपके पास 5 से 10 दिन का टाइम रहेगा, जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके, वेरीफाई करके, अपनी फीस पेमेंट करके अपनी एडमिशन है जो कंफर्म करानी पड़ेगी। सारी चीजों की डेट्स बता देता हूं कि कौन कौन सी डेट की क्या क्या लास्ट डेट है, ठीक है। फेज वन है जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, आपको भी बता देता हूं कैसे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जैसे फेज वन में ना 30 अप्रैल लास्ट डेट थी फेज वन में। फेज वन में क्या बेनिफिट आपको मिल रहा था कि जो स्कॉलरशिप है वो ज्यादा मिल रही थी, जैसे यहाँ पे 30% की मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिल रही थी। अब जो फेज टू स्टार्ट हुआ है, ठीक है, वो इसलिए स्टार्ट हुआ है क्योंकि कुछ सीट्स वगैरह खाली बची हुई है, इसलिए वो सीट स्टार्ट हुआ है। अगर सीट्स खत्म हो जाती तो फेज वन में जो एडमिशन स्टॉप हो जाती, लास्ट डेट थी 30 अप्रैल। अब ये जो डेट है 15 मई तक एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन इसमें आपको एक नुकसान ये होगा कि जो स्कॉलरशिप है वो 30% से रिड्यूस करके कितनी हो गई है, सिर्फ 28% तक। अब जो वो लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 1 मई को है जो फेज टू स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है एलपी नेक्स्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर करने के लिए 15 मई रहने वाली है। तो 15 मई से पहले पहले सब लोग अपने एलपी नेक्स्ट एग्जाम के लिए रजिस्टर कर लीजिए, एक बार लास्ट डेट निकल गई तो एडमिशन है जो पोर्टल है क्लोज हो जाएगा, फिर आप एलपी नेक्स्ट एग्जाम के लिए एडमिशन के लिए रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। एडमिशन क्लोज होने के बाद कोई भी तरीके से आपकी एडमिशन यहाँ पे नहीं होने वाली। उसके बाद जो आपका एग्जाम एलपी नेक्स्ट का लास्ट डेट तो रजिस्टर करने के लिए 15 मई है, लेकिन आपके जो एग्जाम की डेट है वो क्या रहने वाली है, तो जो एलपी नेक्स्ट का एग्जाम रहता है वो घर बैठे बैठे होम बेस्ड एग्जाम रहता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम डेट की क्या रहने वाली है, 8 मई से 28 मई के बीच में, 8 मई से 28 मई के बीच में आप अपने, मतलब 8 मई से 28 मई के बीच में आप कोई भी डेट एंड टाइम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके अपने घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जिस भी डेट को आप एग्जाम देंगे उसके 48 घंटे बाद है जो आपका क्या आ जाएगा, एलपी नेक्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने 10 मई 2024 को एग्जाम दिया एलपी नेक्स्ट का, तो जो मेरा रिजल्ट है वो 13 या 14 मई तक है मिल जाएगा मुझे अपने पोर्टल के ऊपर। जिस दिन आपका एलपी नेक्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आते ही आपको पता लग जाएगा कितनी स्कॉलरशिप वगैरह आपको मिल रही है, उस स्कॉलरशिप के बेसिस के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपको एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर एडमिशन लेनी है तो अपने बाकी बच्चों के डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद आपको अपनी जो फीस, जो स्कॉलरशिप माइनस करके जितनी फीस बचती है उतनी फीस आपको सबमिट करके अपनी एडमिशन है जो डन करा देनी है। जो आपका ऑनलाइन एग्जाम, जो एलपी नेक्स्ट का एग्जाम रहने वाला है, वो ऑनलाइन घर बैठे बैठे रहने वाला है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं एलपी नेक्स्ट के एग्जाम के लिए, वो सारी, उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो बना रखी है कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने हैं होम बेस्ड एलपी नेक्स्ट एग्जाम के लिए। एलपी नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस जानना है, चाहे वो बीबीओ, बीकॉम हो, बीटेक हो, एमबीए हो, किसी भी लॉ कोर्स
कोर्सेज हो, किसी भी कोर्स के लिए अगर आपको एलपीएनएच का सिलेबस जाना है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न जाना है, तो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में उन टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बना दिए, तो आप ठीक है ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो ये थी लास्ट डेट एलपीएनएच के रिगार्डिंग, 15 मई 2024 लास्ट डेट रहने वाली है, इससे लेट मत करना, इससे कि आपको काफी ज्यादा नुकसान हो गया। ऑलरेडी मैंने बताया कि आपकी स्कॉलरशिप का नुकसान हो गया, एडिशनली आपको क्या नुकसान हो रहा है अगर आप जितना ज्यादा लेट करते जा रहे हैं, तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी मतलब कि अगर आप हॉस्टल वगैरह ले रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी में भी अगर आप 15 मई से पहले हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर लेते हैं, तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट के थ्रू मतलब ईडीबी डिस्काउंट के थ्रू 10,000 का जो डिस्काउंट है वो मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जो हॉस्टल की फीस है वो एक साल की, ठीक है, 4 सीटर रूम की एसी की फीस एक साल की कितनी है, 1,00,000 रुपए। तो अगर आप 15 मई से पहले हॉस्टल भी ले लेते हैं, तो आपको कितनी 10,000 का डिस्काउंट मिलने के बाद आपकी जो हॉस्टल की फीस रह जाएगी वो सिर्फ रह जाएगी 90,000 रुपीज। सिमिलरली नॉन एसी की फीस है 90,000 रुपीज, अगर आप 10,000 का डिस्काउंट लेते हैं मतलब 15 मई से पहले हॉस्टल को ऑप्ट करते हैं, तो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलता है, जिसके बाद आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे 80,000 रुपीज। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन 15 मई आपके लिए हॉस्टल बुकिंग के, ईडीबी डिस्काउंट के लिए या स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट रहने वाली है। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं ऐसे के लिए किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।